देखिए ना, सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक आता है इसका, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको आंसर कैसे करना होगा। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन या वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यू कैन से इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी, इनकम जनरेशन प्रोसेस, इनकम जनरेशन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। इनकम जनरेशन प्रोसेस करनी है हमें किसी इकोनॉमी में। ठीक है बच्चों, इनकम जनरेशन प्रोसेस इन एन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन बहुत विद द हेल्प ऑफ numerical example आता है, ये मैं आपको बेटा लिखवाऊंगा, इसका नोट्स नहीं है मेरे पे असल में ना, ये मैं इस साल थोड़ा लेटेस्ट लिखवा रहा हूँ, तो आप देखना इसको लिखते समय ये पूरा आंसर इसका नोट डाउन करना होगा। आपको जब मैं डिक्टेट कर दूंगा तो आप लिख लेना, वैसे लिख दूंगा, छोटा ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट ये समझना होता है। देखिए मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में मल्टीप्लायर का एक टॉपिक कराया था, जिसके अंदर क्या होता था, ये प्रोफेसर केज ने अप्रोच बनाई थी, तो वो बोलते थे किसी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन लीड टू सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम। किसी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से बेटा क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम। मैंने अगर आपको 100 रुपीज बेटा क्या करा, लैंडिंग करा, तो इट इज इनकम फॉर यू, वो आपके लिए इनकम बन जाएगी। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम, इन्वेस्टमेंट चेंज होने का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इनकम पे। और चेंज इन इनकम लीड टू चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम लीड टू चेंज इन कंजम्पशन। यू नो दैट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन, ये इनकम हो जाती है अनदर पर्सन की, इसका तो एक्सपेंडिचर होगा, इसके लिए कंजम्पशन होगा, बट इनकम होगी अनदर पर्सन के लिए। तो इट लीड टू चेंज इन कंजम्पशन लीड टू चेंज इन इनकम बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस होती है बेटा, ये मल्टीप्लायर प्रोसेस होती है। इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से हम कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए देखिए आपको एक लेट करते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने जब बुलेट ट्रेन है, एक हमने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाया इंडिया में, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाया इंडिया में, उसमें हमने टोटल 1000 करोड़ रुपीज हमने इन्वेस्ट करे, हमने 1000 करोड़ रुपीज बच्चों क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे इकोनॉमी में, हमने 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करे। और एमपीसी का पैटर्न आपको ऑलरेडी गिवन हुआ क्वेश्चन में, आपको लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तो 0.8 मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने लेट कर लिया, इकोनॉमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है और एमपीसी का जो लेवल है वो कितना है, 0.8 है। इट मींस जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो 80% है, अगर उनकी इनकम पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे जीरो लग जाएगा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 80/100, और अगर इनकम 100 इंक्रीज होती तो लोग 80 खर्च करते हैं उसमें से, तो एमपीसी शो करता है, ये मैंने बताया था चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न को शो करता है। तो मैंने देखा इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है बुलेट ट्रेन के ऊपर, तो एमपीसी कितनी गिवन है, 0.8। अब इनकम जनरेशन कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले राउंड डालेंगे, क्या डालेंगे, राउंड, यहाँ पे राउंड डालेंगे, यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे डालेंगे हम चेंज इन इनकम, यहाँ चेंज इन कंजम्पशन, और यहाँ चेंज इन सेविंग। ये मैंने कुछ कॉलम यहाँ पे बना लिए। तो राउंड नंबर फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम नहीं मतलब इनिशियली इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितनी हुई, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट किए गए। अब इट इज इन्वेस्टमेंट बाय इनिशियल एक्सपेंडिचर, इट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर फॉर इकोनॉमी, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर हुआ 1000 करोड़ रुपीज का, लेकिन मैंने आपको लेंडिंग करा तो आपके लिए क्या बन गई बच्चों, इनकम बन गई आपके लिए, 1000 करोड़ रुपीज इनकम बन गई, इट इज इनकम फॉर यू। ठीक है, अब आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है,
तो एमपीसी कितना है 0.8, डेल्टा सी का आता पता नहीं है, ठीक है, डेल्टा वाई कितना है बच्चों 1000 है, तो 1000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा 800 आ जाएगा, तो कंसम्पशन कितना होगा 800, 1000 रुपीस इनकम है, 800 वो कंसम्पशन कर रहा है, तो सेविंग कितने कर रहा होगा 200 करोड़, क्लियर होगा बच्चे यहाँ तक। अब मैंने आपको बताया था कंसम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन, तो इनकम बन जाएगी इसी अनदर पर्सन की, भाई इसने क्या करा 800 खर्च करे तो इनकम बन जाए किसी अनदर पर्सन की, अब ये 800 जिसकी इनकम बनी ये भी तो खर्च करेगा, उसे उसका कुछ पार्ट ये भी तो कंसम्पशन करेगा, तो ये कितना करेगा, एमपीसी हमें ऑलरेडी गिवन था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो 0.8 है, डेल्टा सी आपको आता पता नहीं है, डेल्टा वाई कितना है 800 है, 800 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आ जाएगा, डेल्टा सी कितना आ गया बच्चों 640 को कंजम्पशन करेगा, 800 में 640 को कंजम्पशन करेगा तो सेविंग कितने करेगा बच्चों, 800 में से 640 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 160 वो सेविंग करेगा। अब राउंड नंबर थर्ड में भी ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी, 640 किसी अनदर पर्सन की इनकम बन जाएगी, अब ये 640 का कितना 0.8 वही मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से जैसे इसको करा था, अब ये कितना खर्च करेगा 512 खर्च करेगा, 512 एक्सपेंडिचर करेगा ऑन अ कंजम्पशन, अब 640 में से 512 को जब आप लेस करोगे तो क्या आएगा 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस तो पता नहीं कब तक चलती रहेगी, अब निकालते निकालते बहुत टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी का साइन दे दीजिए, इन्फिनिटी मतलब आप इसको नहीं निकाल लो और ये कब तक चलेगी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सीधा यहाँ टोटल का डालिए, यहाँ पे सीधा करिए आप टोटल, टोटल आपने कितने इन्वेस्टमेंट करा है 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करा है जॉन में, आपने 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना होगा, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वर्किंग नोट, ये इंपॉर्टेंट होगा वर्किंग नोट जो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी वैसे क्लियर बना दूंगा थोड़ा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या गिवन था क्वेश्चन में, एमपीसी गिवन था, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है और एमपीसी गिवन है तो सबसे पहले के निकाल लो, ठीक है, फॉर्मूला था 1/1 - एमपीसी, तो 1 - 0.8 करूँ कितना आएगा 0.2, 1 - 0.8 कितना हो जाएगा 1/0.2, पॉइंट हटाया के की वैल्यू कितना गई 5, के की वैल्यू बच्चों 5 आ गई, अब के की वैल्यू 5 आ गई, के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है, के की वैल्यू 5 आ गई, डेल्टा वाई का आता पता नहीं है, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई 1000, तो 1000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चे 5000 आ जाएगा, डेल्टा वाई आ गया 5000, डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चों 5000 आ गया, डेल्टा वाई हमारा कितना आ गया बच्चों 5000 आ गया, ठीक है जी, डेल्टा वाई हमारा 5000 आ गया है, अब डेल्टा वाई हमारा 5000 आ गया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में, मैंने बोला इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना करा 1000 करोड़ का और इनकम कितनी आई बच्चों 5000 आएगी टोटल, जो ये प्रोसेस चलेगी इनकम को जब हम टोटल करेंगे ना एंड में तो कितना आएगा बच्चों 5000 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इस इकोनॉमी में अगर 1000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होती 5000 और कंजम्पशन कितना करेंगे हम, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, वैसे मैंने ऊपर गलती बनाया यही कर देता, चलिए तो कंजम्पशन कितना करेंगे, एमपीसी का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई था, तो एमपीसी कितना था 0.8, डेल्टा सी आपको नहीं पता, डेल्टा वाई कितना है 5000 है, 5000 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 आ जाएगा, तो डेल्टा सी कितना होगा बच्चों 4000 हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन करेंगे 4000, 5000 में से आप 4000 कंजम्पशन करोगे तो सेविंग कितनी करोगे 1000, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को ही, ये प्रोसेस जो मैंने आपको क्लियर कराई है अभी, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को क्रिएट, इसी को वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बोलते हैं, इसी को इनकम जनरेशन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी, ठीक है, ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हम न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी इनकम जनरेट होती है, वो पूरी प्रोसेस को ये शो करती है शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है, ये आप सर्कल में दिखा भी सकते हो एक प्रोसेस, ठीक है, मैंने बताया था वैसे जो पहले लिखवाया जाता था इसका क्या होता था इंक्रीज इन, पहले मल्टीप्लायर की डेफिनेशन दे दी जाती है, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर लिखते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन इनकम लीड टू चेंज इन कंजम्पशन, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इनकम ऑफ अनदर पर्सन, सो दैट चेंज इन कंजम्पशन लीड टू चेंज इन इनकम, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद हम ये शेड्यूल बनाते हैं और एट द एंड हम शेड्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, बट अब इस साल में थोड़ा इसको अलग पैटर्न भी लिखवाने वाला हूँ, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है काफी बुक्स के अंदर, जैसे संदीप गर्ग के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ, टीआर जिनमें एकदम बकवास दिया हुआ है, एनसीईआरटी में तो बहुत ही बेकार दे रखा है, तो मैंने एक पैटर्न लिखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है,
क्वेश्चन तो ऊपर लिखे ही हुए हैं तीनों, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये लिखा है ना प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। फिर मैं इसका आंसर बोल के लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो जल्दी से, फिर एक बच्चा रीड कर देना, कुछ अगर मिस्टेक रही होगी तो मैं इसे करेक्ट करा दूंगा। बोलो बच्चों, यस सर, दीपक बोलो, साहिल, हाँ भाई, चलिए बेटा पहले तक नोट लिखना है सिंपल सा, उसके बाद आपको बुलेट में करनी है कहानी, बुलेट समझते हो ना, डॉट बना बना के लिखने होंगे आप। तो पहले लिखिए, सपोज इन एन इमेजिनरी कंट्री, suppose in an imaginary country, MPC is 0.8, an additional investment of 1000 crore rupees and additional investment of 1000 crore rupees is made by government for a bullet train project in the country. नेक्स्ट बुलेट से लिखो। अब बुलेट बना के लिखना, अब बुलेट बनाना स्टार्ट कर देना। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट ऊपर ना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अंडरलाइन कर लेना, जो ऊपर लिखा है ना अभी आप लोगों ने, ऊपर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अंडरलाइन कर लेना। अभी ये जो अभी मैं लिखवा रहा था इसको कंटिन्यू करो। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट an additional income of 1000 crore in the country, of 1000 crore in the country in first round, comma डाल के लिखना, as expenditure of one income for another. Next bullet से लिखो, since MPC of this country is 0.8, the national who are receiving this additional income will spend 80% portion
will spend 80% portion of this additional income ₹800 crore. भाई क्या बोलेगा फिर से बोलना, 80% portion. 80% portion of this additional income ₹800 crore. रुपी का साइन डाल के 800 करोड़ which in return becomes additional income during second round. नेक्स्ट बुलेट पे लिखो सर, एडिशनल इनकम के बाद क्या है सर? एडिशनल इनकम ड्यूरिंग सेकंड राउंड, ड्यूरिंग सेकंड राउंड, एडिशनल इनकम ड्यूरिंग सेकंड राउंड. नेक्स्ट बुलेट पे लिखो सिमिलरली इन थर्ड राउंड, $640 crore of income is generated. Similarly, in third round, $640 crore of income is generated. Consumption expenditure in every round will be 0.8 times. Consumption expenditure in every round will be 0.8 times of additional income. Received from previous round. Next bullet से लिखो. This process will go on infinity and comes to an end when increase in saving. ब्रैकेट में लिखना total leakage become equal to increase in investment ₹1000 crore. Become equal to increase in investment ₹1000 crore. सचिन हो गया भाई. अब ये ना बच्चों, ये इसके नीचे शेड्यूल बना लेना, ये वाला, ये शेड्यूल दिख रहा है आपको, ये शेड्यूल बनाना, शेड्यूल के नीचे वर्किंग नोट में ये करना होगा आपको, इस शेड्यूल के ऊपर कुछ लिख देना, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इस शेड्यूल के ऊपर लिख देना हेडिंग बना के, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर.
और एक शेड्यूल बना के फिर ये वर्किंग नोट में इसके नीचे कर देना, ये जो मैंने करा था ना ये वर्किंग नोट में इसके नीचे कर देना। अच्छा पहले एक बार मुझे मुझसे रीड कर देगा पूरा, जितनी रीड करो एक बार पूरा जो लिखवाया ना मैंने आपको, किसी का कुछ मिस्टेक हुई होगी तो चेक कर लेगा अपने। This extra investment will generate an additional income of 1,000 crores in the country in first round as expenditure of one is income for another. Since MPC of this country is 0.8, the nationals who are receiving this additional income will spend 80% portion of this additional income, which is 800 crores, which in return becomes additional income during the second round. Similarly, in the third round, 640 crores of the income is generated. Consumption expenditure in every round will be 0.8 times of additional income received from the previous round. This process will go on infinity and comes to an end where increase in saving, that is total leakage, become equal to the increase in investment 1,000 crores. बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, इसमें आपको समझ आ गया होगा क्या लिखवाया है मैंने। मैंने इसमें लिखवाया है देखो, पहले इकोनॉमी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की गई है 1,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड के अंदर क्या होता है आप जानते हो, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो इनकम बन गई है 1,000 करोड़ रुपीज। अब एमपीसी 0.8 था तो नेशनल को कितना रिसीविंग हो रहा था, 1,000 करोड़ रिसीव हो रहा था, इसकी वजह से 0.8 का पोर्शन क्या करेगा बच्चों, एक्सपेंडिचर करेगा कंजम्पशन पे, कितना 800। अब 800 वो खर्च करता है, विच इन रिटर्न बिकम्स एडिशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में 800 क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। सिमिलरली थर्ड राउंड में फिर ये 640 में कन्वर्ट हो जाती है, थर्ड राउंड में तो 640 एक्सपेंडिचर हुआ था ये इनकम बन जाती है थर्ड राउंड में, ये 640 एक्सपेंडिचर हुआ था ये इनकम बन जाती है, ठीक है। तो एवरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एवरी राउंड विल बी 0.8 टाइम्स, आप देख रहे हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर राउंड में 0.8 टाइम्स, इसका 0.8 टाइम्स इंक्रीज होता जा रहा है। कहता है द प्रोसेस विल गो ऑन इंफिनिटी, ये प्रोसेस इंफिनिटी तक चलती है, जब तक चलेगी जब तक कि इंक्रीज इन सेविंग, तो इंक्रीज इन सेविंग का टोटल है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता, ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है। ये शेड्यूल बना लोगे नीचे वर्किंग नोट में करके 1/(1-MPC) कर देना, फिर 1-0.8 करके के की वैल्यू निकाल ली, 5 के से आपने डेल्टा वाई की वैल्यू 5,000 निकाल लोगे और एमपीसी कंक्लूजन देना चाहते हो तो आप दे देना, कंक्लूजन अगर आप देना चाहते हो ना क्वेश्चन के अंदर तो कंक्लूजन भी दे सकते हो कि इन एन इकोनॉमी इन इमेजिनरी इकोनॉमी इनकम इज इंक्रीज बाय 5,000 करोड़ ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़, इट इज 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो आप एक कंक्लूजन भी दे सकते हो अगर नीचे देना चाहो लास्ट में अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। इन अबव एग्जांपल, इन अबव एग्जांपल या इन अबव न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसे लिखते हो, ठीक है। इन अबव एग्जांपल increase in income is 5 times of increase in investment, therefore the value of A is equal to 5, equal का साइन डाल equal आप लोग बहुत खुशी हुई है की मैक्रो में तो आपके किसी के मार्क्स भी कटने वाले, क्योंकि मैक्रो के अंदर आप बहुत अच्छा लिख रहे हो सब बच्चे, बस मुझे अब आईडी जैसे आपकी एक्यूरेसी मैक्रो के अंदर चल रही है ना सब बच्चों की, वैसे आप आईडी के अंदर और थोड़ा कर लो, आप थोड़ी सी मैक्रो के अंदर और एक्यूरेसी आओगे ना, वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आओगे एक्यूरेसी ना लिखने की इसी तरीके से, तो आपके मार्क्स। अब मैं एक ना टाइप करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, इंडियन इकोनॉमी की बुक टाइप करवा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बताऊँ मैंने क्या टाइप कर मतलब दिया है मैंने किसी को टाइप करने के लिए,
जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के 16 क्वेश्चन है, 16 किसी में 10 किसी में इवन 5 भी दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सारे चैप्टर्स है ना जो इस साल सिलेबस में है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में से टाइप करवा दें, और मेन मेन जो हेडिंग होती है ना जैसे डेट्स होती है हर चैप्टर के अंदर कोई डेट्स होती है। और मुझे तो इंग्लिश मीडियम का एक बहुत अच्छा कंटेंट भी मिला है, मतलब मेरी लास्ट ईयर की पीडीएफ पड़ी हुई है, वो उसके अंदर क्या है हर चैप्टर के अंदर ना हर टॉपिक की हेडिंग्स है, मतलब जैसे एक पेज के अंदर ही आपको सारे चैप्टर के मेन मेन टॉपिक की हेडिंग मिल जाएगी। जैसे चैप्टर फर्स्ट है उसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर तीन हेडिंग है, उसके तीनों हेडिंग मिल जाएगी आपको लिखी हुई, उसके उसमें आप निकलवा के प्रिंट निकलवा के फोटो कॉपी निकलवा के उसमें डाटा वगैरह आप करंट का लिख सकते हो, मतलब जो उसके अंदर मान लो वो लास्ट ईयर का है तो अगर मान लो कोई डाटा अपडेट हुआ है तो उस डाटा को आप कट करके न्यू डाटा भी लिख सकते हो, जिससे कि आपके मतलब 5-6 पेजों में ना पूरी बुक कवर हो जाएगी आपकी, आपको रिवीजन करने में बहुत उससे हेल्प मिलेगी। एक बार मैं ढूंढूंगा कहाँ पे मैंने भेजी तो थी काफी बच्चों को लास्ट ईयर, तो उसी के अंदर काफी बच्चों को उससे बहुत हेल्प मिली थी। इस बार मैं थोड़ा जल्दी दे दूंगा आपको, क्योंकि आप तैयारी अभी से शुरू कर दोगे ना मार्च तक आप लोग सारे बहुत अच्छे हो जाओगे। ये मेरा फोकस है कि आप अब मैंने बोला संडे को प्री बोर्ड है तो भी बच्चे मना करने लगे मुझसे कि सर हम संडे नहीं देंगे, ये हो रहा है आपने तो अब बताया, तो अब प्री बोर्ड तो लेना है ही मुझे। तो प्री बोर्ड का ये है कि अब किसी भी जैसे वेस्ट संडे से मैंने डेट डिसाइड कर रखी थी संडे से स्टार्ट करूंगा मैं, तो अब संडे को बच्चे बोल रहे हैं मुझे, लेकिन अब मैं जो डेट सजेस्ट की दे दूंगा ना आज या शाम तक या कल तक दे दूंगा मैं इसकी डेट शीट, तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे सारे टेस्ट। जो फर्स्ट टेस्ट है वो थोड़ा मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, फर्स्ट टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहे कि सर 4 दिन बाद टेस्ट है पूरे होल सिलेबस का, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के अंदर किसी भी डे के अंदर रख देंगे हम टेस्ट, जो भी कोई डे हमारा फ्री रहेगा ना मतलब आपकी क्लास के दिन में रखूंगा टेस्ट वैसे डे में रख देंगे। तो और जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है ऑफलाइन दे देना, जो ऑनलाइन देना चाहता है वो ऑनलाइन दे देना, क्योंकि किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा, बट कोशिश ये करना 90% बच्चे जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन वो ऑफलाइन दे सकते हैं। बच्चों रब कर दो उसको, हाँ आयुष में अभी आऊंगा शाम को 5:30 बजे क्लास में, आदित्य हो गया भाई नोट डाउन। लक्ष्मी इस बार आपने भी टेस्ट बहुत अच्छा किया था, इस बार आपके आंसर बहुत एकदम बढ़िया था। थैंक यू सर, बेटा ऐसे ही करें करो दोबारा अच्छा लगता है ना। सर मेरी थ्योरी अच्छी है बस मैक्रो में ही प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। अभी मैक्रो का ही तो टेस्ट था बेटा, मैक्रो तो अच्छा करा तुमने, ये एडी वाली नोट का टेस्ट तो बहुत अच्छा करा। मतलब कैलकुलेशंस वगैरह में हाँ वो धीरे धीरे बच्चों सही हो जाएगी ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगी। अभी एक बार नुमैगी की क्लास भी स्टार्ट करूंगा अभी थोड़े दिन बाद ना, थोड़ा सा मैं फ्री टाइम हो जाए मेरा तो फिर मैं एक नुमैल के बैच भी शुरू कर दूंगा, उसमें नुमैल करवाऊंगा तो मतलब सारे के सारे एक बार रिवाइज करा दूंगा सारे के, छूट दे होंगे नुमैकल वो कर लेगा सारे कंप्लीट। चलिए आपका मल्टीप्लायर का चैप्टर भी फिनिश हो गया इस दौरान, ठीक है अब इसके नुमैकल की क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ध्यान से, अब पहले तो मल्टीप्लायर के ना आप दो तीन फॉर्मूले याद रखिए। देखिए का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ही होता है, ठीक है जी। एंड सेकंड फॉर्मूला होता है के का फॉर्मूला 1/(1-MPa) एंड थर्ड वन इज 1/(1-MPa) एंड वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी व्हेन वी विल नीड अबाउट द फॉर्मूला, जब भी हमें ये फॉर्मूले की नीड होगी तो हम अप्लाई कर देंगे इसको अकॉर्डिंग टू या जो भी सिचुएशन होती है। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस का फॉर्मूला डेल्टा वाई होगा, तो इस पेज में 3-4 फॉर्मूले होते हैं जिनसे सारे न्यूमेरिकल बोल दिए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी economy increase in investment by increase in income by 500 crore then increase in investment by 100 crore, find the value of K.
की वैल्यू फाइंड करनी है करिए हो गया आंसर भेजना शुरू कर दीजिए मुझे दो तीन बच्चों का आंसर देखते हैं हाँ देखिए निखिल का हो गया भाई बहुत बढ़िया आदित्य का भी हो गया हाँ जी आ गया बेटा सबका आंसर 5 होगा इसका आंसर बच्चों 5 है ठीक है तो क्या आंसर कितना आएगा देखिए पहले सॉल्व करते समय आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई है आपकी इंक्रीज इन इनकम बाय 500 करोड़ तो डेल्टा वाई क्या है बेटा 500 करोड़ और डेल्टा आई कितना है 100 करोड़ ठीक है तो के की वैल्यू क्या होती है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई 500 अपॉन में 100 तो के की वैल्यू कितनी 5 आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स हो गए ये कुछ नहीं है बच्चे बोलते सर ये क्या लिख दिए यहाँ की साइन करवा दे ठीक है तो 5 आंसर होगा 5 टाइम्स होगा इसका आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक इंक्रीज इन इनकम बाय 200 करोड़ and increase in investment by 50 crore. Find the value of MPC. MPC की value find करनी है. मैंने मुझे लग रहा है करवाया है मैंने को. ये वाला करवाया था मैंने. कितनी कराया था मैंने? तो शायद कराया था. हाँ चलो जल्दी से करो. इसके बारे में गलत है बच्चे आपका जो आंसर गलत है इस बार.
तो गलत आ रहा है, सबका गलत है, शुभम का भी गलत है, सुमन का भी गलत है, रॉन्ग आ रहा है अभी आपका आंसर। अभी भी रॉन्ग है सुमन। निखिल का सही है, कश्यप खंडेलवाल का सही है, दृष्टि आपका पूरा पूरा कैलकुलेट करो दृष्टि से, मेनुला का भी सही है, ये साहिल आपका साहिल रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया साहिल आपका, आदित्य का सही है, खुशी का सही है, अब सबका सही आने लगा है, करेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट मैच होगा, देखिए साहिल का भी सही है, देखिए बेटा इंक्रीज इन इनकम कितनी बोला है इसने, इंक्रीज इन इनकम बाय 200 करोड़ है और इंट्यूशन इन्वेस्टमेंट कितना 50 करोड़ है, इंट्यूशन इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है। अब के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में, सॉरी ये डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ही होता है। अब डेल्टा वाई कितना है 200 और डेल्टा है कितना 50, तो इसको कट करा ये कितनी वैल्यू होगी 4 आ गई, के की वैल्यू 4 आ गई, के का फॉर्मूला होता है। अब एमपीसी निकालना है, अब एमपीसी देखिए के की वैल्यू तो 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो ये 4 आ गई है इसकी वैल्यू 1, तो ये एमपीसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 की फिर करेंगे 4 1 जा 4 और 4 एमपीसी, माइनस का 4 एमपीसी इधर हो जाएगा, प्लस का 4 एमपीसी हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 एमपीसी और 3, 4 अपॉन में आएगा तो एमपीसी क्या आएगा बच्चों 3/4, तो आंसर आएगा 0.75। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों आ रहा है? यस सर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, लक्ष्मी आ रहा है आपको? सिमरन? यस सर। चलिए जल्दीबाजी में मत करो अपने आंसर आप लोगों ने, तो मिस्टेक होगी आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एमपीएस करना है, ये तो बच्चा सबका सही होना चाहिए इस बार, इतना आपको दिया है 600 और आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करिए आपको 100, एमपीएस कैलकुलेट करना है। आदित्य का आ रहा है, देखते हैं इसका सही होगा इस पर। कशिश कितना पूरी वैल्यू कैलकुलेट करे करो, मतलब इसे हाफ में तोड़ दे, इसका ना आंसर आपको डेट से निकालना पड़ता है। जीरो पॉइंट वन सिक्स, जीरो पॉइंट वन सिक्स आ रहा है बहुत बच्चों का, तो मे भी सही होगा, कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट तो निकालो आप सब। ठीक है, जैसे आपसे बोला था इंक्रीज इन इनकम कितनी है, डेल्टा वाई 600 है और डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई कितना है बच्चों 100 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी 600 अपॉन में 100, सिक्स आई के की वैल्यू। अब के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एमपीएस, तो एमपीएस के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एमपीएस आपको कैलकुलेट करना है, एमपीएस इधर आ जाएगा 6 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन में 6 करेंगे कितना आएगा 0.16 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
0.167 भी लिख सकते हो क्योंकि कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, तो 0.167 कर देते हैं। अब ये तो हो गए बेसिक वाले स्किन में कल। अब थोड़ा सा जैसे हम आगे चलेंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा देते हैं। इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी इफ, एक मिनट मार्कर में, इन एन इकोनॉमी इफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट बाय 200 crore, देन कैलकुलेट इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम इज द वैल्यू ऑफ MPC 0.2, MPC 0.8 कर लो आप, 0.8 है। इनकम अच्छा ये कौन से कोड में लिखते हो आप? अच्छा 1K। अच्छा तुम इंस्टाग्राम चलाते हो ना, जब तुम्हें 1K का पता है? नहीं सर, वो अकाउंट में ऐसे लिखते हैं। अच्छा अकाउंट में ऐसे तो लिखने लगे क्या? 1K है 2 मिलियन नहीं नहीं सर, वो सर्च करते हैं ट्यूशन में। अच्छा अच्छा, ये इंस्टाग्राम की आदत सबको पड़ गई अब लग रहा है। अच्छा 800 को क्या लिखोगे सर? इसके 1K फॉलोअर हो गए। अच्छा अच्छा, जब लिख रहे थे बताने के लिए? नहीं सर। साहिल का आंसर है हाँ 1K ही है भाई, इसका भी 800 का एडमिशन आ रहा है। आदित्य का भी 1800 है, शुभम का भी 800 है, सचिन का भी 1000 आ रहा है। सचिन कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन 1000 आ रहा है, चेंज इन वो निकालो ना, चेंज इन इनकम कहाँ गई सचिन? चेंज इन इनकम निकाली आपने। और बच्चों का किसी का नहीं आया यार आंसर? क्या कशिश आपका नहीं आया? दोनों कशिश का, खुशी का, फ्रेंड का? अच्छा सर लिख तो रानी आप लोगों का, शुभम का। अच्छा हाँ आपका आ गया, ठीक है। कशिश का भी आ गया, निखिल का भी आ गया है, शुभम का भी आ गया है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सबका ही आ गया है आंसर। और बच्चे जिनका नहीं आ रहा, प्रियंका दीदी नहीं आ रहा, दीदी बोल रहा हूँ। है बेटा नहीं आ रहा प्रियंका? सर हो गया बस।
देखिए बच्चों कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, ये बोलता है इन एन इकोनॉमी इफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 200 करोड़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 200 करोड़ कैलकुलेट इंक्रीज इन कंजम्पशन डेल्टा सी विल कैलकुलेट द चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम. ठीक है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एमपीसी ये गिवन है 0.8. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जहां पे भी डेल्टा ए दिया हो के निकाल लो पहले. तो के का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहां पे 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.8 0.2 होगा. 2 से 10 को कट करेंगे 5 आ जाएगा. के की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई. के की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 5 आ गई. अब के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ही होता है. के की वैल्यू 5 आ गई. डेल्टा वाई का पता नहीं है और डेल्टा आई कितना है डेल्टा आई है 200 1000 आ गया. डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चों 1000 आ गया. अब बच्चों एमपीसी आपको कितने गिवन था 0.8 एमपीसी कितना गिवन था 0.8 एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्योंकि हमें डेल्टा सी भी कैलकुलेट करना था. तो एमपीसी रखा मैंने 0.8 डेल्टा सी हमें नहीं पता था डेल्टा वाई कितना है 1000 है. 1000 को आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 800. तो आपका आंसर होगा डेल्टा सी इक्वल टू 800. दीपक आ रहा भाई गौतम दीपक रजत दीपक आ रहा भाई मानव. यस सर आया नहीं था मानव आंसर पहले नहीं सर अभी आया ये वाला तो ये समझ में नहीं आता. चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको. एमपीएस गिवन है जीरो पॉइंट या 0.5 गिवन है. ठीक है और इंक्रीज इन इनकम है इंक्रीज इन इनकम बाय 500 करोड़ तो कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन कंजम्पशन आपको बोला इन एन इकोनॉमी इफ इंक्रीज इन इनकम बाय 500 करोड़ देन कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस 0.5 इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इक्वल टू 0.5 करूं मैं कर रहे हो आप लोग ट्राई. मैं करूं निकल का आंसर आया है. देखिए वो चेंज होता है उसको चेंज भी लिखे करो. ठीक है तो बच्चों ने आंसर दे दिया तो कर दिया है
आदित्य का भी आ गया है, अखिल का भी आ गया है, कश्मीर दोनों 250 आ रहा है, साहिल का भी दोनों 250 आ रहा है, सचिन का भी 250 आ रहा है, सिमरन का भी 250 आ रहा है, खुशी का भी 250 आ रहा है, सबका 250 आ रहा है, तो मे भी 250 हो सकता है, दीप्ति का भी 250 आ रहा है। देखो देखता हूँ बेटा मैं एक बार चेक करके, देखो इन इकोनॉमी इंक्रीजिंग, आपको इंक्रीजिंग क्या दे रखा था, इनकम दे रखा था आपको, इंक्रीजिंग इनकम गिवन थी 500 और एमपीएस कितना गिवन था 0.5, तो कैलकुलेट करना था आपको डेल्टा आई कैलकुलेट करना था और डेल्टा सी कैलकुलेट करना था। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एमपीएस वाला लगाएंगे इस बार, क्योंकि एमपीएस गिवन है ना, तो 1 अपॉन 0.5 करेंगे, कितने आ गए, के की वैल्यू 2 आ गई, अब के की वैल्यू 2 आ गई, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो के की वैल्यू 2 आ गई, डेल्टा वाई का आता पता नहीं है, 500 है, डेल्टा आई नहीं पता है, डेल्टा इधर पे आएगा 2 अपॉन में चले आएगा, तो 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा डेल्टा आई कितना आ गया, 250 आ गया, डेल्टा आई 250 आ गया आपको। अब बच्चों के का फॉर्मूला के आपका 250 आ गया, अब एमपीएस गिवन है लेकिन आपको निकालना डेल्टा सी है, तो डेल्टा सी कौन से फॉर्मूले में आता है, एमपीसी के फॉर्मूले में आता है, तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, एमपीसी का फॉर्मूला होता है 1 minus MPS, 1 में से आप जैसे 0.5 को लेस करोगे तो 0.5 भी आ जाएगा एमपीसी भी। अब एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो बच्चों ये कितना है, एमपीसी 0.5 है, डेल्टा सी का नहीं पता, डेल्टा वाई कितना था, डेल्टा वाई कहाँ गया मेरा, 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ही आएगा, डेल्टा सी भी 250 आ रहा है और बच्चों डेल्टा वाई भी आपका डेल्टा आई भी 250 आ रहा है, दोनों 250 आ रहे हैं, जिनका दोनों 250 है वो बच्चे सही हैं और बच्चे गलत हैं। तो बच्चों बेसिक वाले सबके हो चुके हैं, देखिए एडवांस वाले अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे सब बच्चों के हो गए हैं, मतलब बेसिक होता है ना जिसका, वो सब बच्चों को करा दिए मैंने, बेसिक इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अब इसके अंदर जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पहले न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो बच्चे पूछ सकता है मेरे से, चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास, बाय बच्चों, टेक केयर।
हाँ